स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और उसके अजम्पशंस क्या है। हम लोग कार्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने की कोशिश कर रहे हैं और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो है द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। और साथ ही हमें यह देखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। दोनों ही कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी का एज वेल एज टोटल यूटिलिटी का, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमें फाइनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने में मदद करेंगे। सो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ये समझा कि जैसे जैसे कंज्यूमर कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करता है वैसे वैसे हर बार जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है दैट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग एट अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स जीरो एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव। देखिए कार्डिनल अप्रोच ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट अप्रोच नहीं है, सो दैट्स व्हाई कई बार बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर ये 100, 80, 60, 40 ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं। तो एक्चुअली ये इमेजिनरी फिगर्स है, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है कि आप हर बार 20 का ही गैप दें इसको डिक्रीज करते टाइम, आप कोई भी सर्टेन जो है फिगर से इसको डिक्रीज कर सकते हैं। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है दैट मार्जिनल यूटिलिटी जनरली ऑलवेज डिमिनिश। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने देखा कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज होगा कमोडिटी का, जो मार्जिनल यूटिलिटी हम डिराइव करेंगे वो कंटिन्यूसली डिमिनिश होती जाएगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। देखिए टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी बेसिकली ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को हम कहते हैं। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन का मतलब एक सर्टेन लेवल का कंजम्पशन कर लेने तक कंज्यूमर को जितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हो चुका है उसे टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। जैसे हमारे एग्जांपल में हम गुलाब जामुन खा रहे थे, तो सपोज पहला गुलाब जामुन खाने से 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो इससे पहले तो कोई कंजम्पशन हुआ नहीं है। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि एक गुलाब जामुन खा लेने तक टोटल सेटिस्फैक्शन आपको कितना मिला है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा आपका, दैट इज ओनली 100। अच्छा उसके बाद सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 80 का। बट अगर कोई हमसे ये पूछे कि दो गुलाब जामुन खा लेने तक टोटल सेटिस्फैक्शन आपको कितना मिल चुका है, सो दैट विल बी 100 + 80 = 180। तीन गुलाब जामुन खा लेने तक का टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो जाएगा भाई, तीसरे से 60 का मिला है, बट तीन खा लेने तक टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो चुका है, सो दैट इज 100 + 80 = 180 + 60 दैट विल बी 240। फोर्थ लेवल तक टोटल सेटिस्फैक्शन 240 + 40 = 280, देन इट विल बी 300, देन इट विल बी 300 and then it will be 280. So we can say that कि total utility क्या होती है, किसी भी level पर total utility उस level से पहले की सारी marginal utility का sum होती है. So what is TU? TU is equals to summation of marginal utility. तो ये हम TU के लिए formula दे सकते हैं. और define करना चाहें तो हम define कर सकते हैं that it can be defined as the sum of marginal utility up to a certain level of consumption. किसी भी कमोडिटी का एक सर्टेन लेवल का कंजम्पशन कर लेने तक जो भी मार्जिनल यूटिलिटी हमें डिराइव हुई है उन सभी मार्जिनल यूटिलिटीज का जो सम होता है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ही लिया है। अब हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप देखने के लिए हमें एक बार जो शेड्यूल हम लोगों ने अभी अभी समझा उस शेड्यूल को हमें थोड़ा सा एक बार फिर से डिटेल में देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सो मार्जिनल यूटिलिटी ये है आपका कंटिन्यूअसली डिमिनिशिंग एट अ सर्टेन पॉइंट बिकमिंग जीरो एंड आफ्टर दैट इट इज बिकमिंग नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का सम है, सो दैट इज 100, 100 प्लस 80 180, 240, 280, 300 एंड देन 300 प्लस 0 ऑब्वियसली इट विल रिमेन एट 300, देन इट विल बी 280। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्लैरिटी है इसे कि मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, एक पॉइंट पे जीरो होगी एंड देन उसके बाद नेगेटिव में चली जाएगी। अब देखिए क्योंकि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का सम है, That's why initially जब तक marginal utility positive रहेगी तब तक total utility continuously क्या करेगी, increase करेगी। यहां पर आप देख सकते हो
टिल दिस पॉइंट वी कैन सी दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव 180, 60, 40, 20 डिक्रीज हो रहा है लेकिन वैल्यू क्या है पॉजिटिव है. तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है यहां पर आप देख सकते हो टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूसली क्या करेगा इंक्रीज करेगा. इसको आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो पॉइंट को, जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी. सेकेंड पॉइंट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है तब टोटल यूटिलिटी की वैल्यू अपने मैक्सिमम पर होती है. इससे पहले भी 300 लिखा है बट दिस 300 विल बी टेकन एज मैक्सिमम क्योंकि इसके बाद टीयू की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो रही है. सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट. जब तक जब एमयू जीरो हो जाता है तब हम देखते हैं कि टीयू की वैल्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर चली जाती है. फिर जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू माइनस में जाएगी नेगेटिव होगी वैसे ही हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी. सो दैट विल बी द थर्ड पॉइंट. एज सून एज एमयू बिकम्स नेगेटिव द टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग. जैसे एमयू माइनस में जाएगा टीयू की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. ग्राफ पर भी ये चीज नोटिस होगी. ये जो पूरा एरिया है यहां पर आप देख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है पॉजिटिव है. जब तक एमयू पॉजिटिव होगा तब तक ग्राफ पे हम देखेंगे कि टीयू कंटिन्यूअसली क्या करेगा इंक्रीज होगा. जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तब टीयू की वैल्यू अपने मैक्सिमम पे होगी जितना ऊंचा जा सकती है उतना ऊंचा चली जाएगी. एंड देन जैसे ही एमयू नेगेटिव होगा वी कैन सी दैट टीयू विल स्टार्ट फॉलिंग. जैसे ही एमयू की वैल्यू नेगेटिव होगी टोटल यूटिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. सो दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू. एक पॉइंट हम और ऐड करेंगे रिलेशनशिप में एंड दैट विल बी दैट एमयू कैन बी नेगेटिव बट टीयू कैन नॉट. मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू तो माइनस में जा सकती है लेकिन टोटल यूटिलिटी की वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रेशनल है. तो क्योंकि कंज्यूमर रेशनल है इसीलिए जैसे ही उसे दिखेगा कि यार मुझे मार्जिनल यूटिलिटी अब नहीं मिल रही है मेरा मार्जिनल सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चला गया है वैसे ही वो अपना कंजम्पशन बंद कर देगा. कोई भी रेशनल कंज्यूमर इतना आगे अपना कंजम्पशन नहीं लेके जाने वाला कि वो टोटल सेटिस्फैक्शन को भी नेगेटिव कर दे. राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. ओके अच्छा स्टूडेंट्स ये जो भी हम लोग स्लाइड्स पढ़ रहे हैं पीडीएफ की फॉर्म में भी हमारे पास है और बाय लाइक जैसे ही हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे वैसे ही हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक बटन हिट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.